हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है डे 5 हमारी जर्नी का। यहाँ पे आप देख सकते हो द ब्यूटीफुल ले मार्केट। एंड आज हम जा रहे हैं ले मार्केट से, ले सिटी से नुब्रा वैली की तरफ वाया खारजुंगला। तो रूबल कह रहा है कि हमारे साथ आ रहा है एक नया राइडर रतिक सोढ़ी। आज सुबह ही लैंड करे और आज सुबह ही बाइक लेके हमारे साथ चलने को रेडी। तो लेट्स गो। थैंक यू। कल ही ले सिटी आए थे। वैसे तो जो भी बाइक राइड करता है वो ले सिटी आके एक दिन रेस्ट करता है, एक्लिमेटाइज होता है। बट क्योंकि हमारे दोस्त भी साथ में आए हैं और उनको कल एक्लिमेटाइज कर लिया उन्होंने और आज उन्हें जाना था, तो हमने कहा चलो साथ ही चलते हैं, जब इतने टाइम बाद दोस्त सारे दोस्त मिल रहे हैं। तो हम भी निकल गए। आगे मैंने ये लगा दिया फ्लैग, बट अच्छा नहीं लग रहा है, इसको देखेंगे आगे जाके ठीक करेंगे। और साथ में एक कीरिंग भी ले ली लद्दाख की। सो गुड, अलग ही वाइब्स हैं और विश्वास नहीं हो रहा अभी तक कि अपना दिल्ली से ले तक बाइक चला कर आए हैं, जो कि हमारी कभी ड्रीम डेस्टिनेशन हुआ करती थी। जो कभी सोचते थे, लोगों की वीडियो देखते थे कि भाई यार क्या मजे कर रहे हैं, ले तक गए हैं बाइक चला के। आज खुद यहाँ तक आए हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये ले मार्केट की दूसरी साइड है, खारदुंगला इज 39 किलोमीटर, खारदुंग विलेज इज 72 किलोमीटर और हमारा नुब्रा वैली का तो अभी लिखा ही नहीं कुछ। जो मैंने लास्ट वीडियोस देखी है काफ़ी हद तक उसमें यही बताया गया कि जो अब खारदुंगला है जितना टफ पहले हुआ करता था उतना टफ नहीं है। अब रूट्स काफ़ी हद तक बन चुकी हैं, हल्का सा छोटा सा पैच आता है जो ऑफ रोड होता है खारदुंगला से पहले, जहाँ पे रोड कंस्ट्रक्ट हो नहीं सकती मे बी बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशन एंड पानी का फ्लो रहता है हमेशा। अदरवाइज काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गया है खारदुंगला जाना अब। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग, मतलब ले ही फर्स्ट टाइम है तो अब तो हर चीज़ ही फर्स्ट टाइम होगी। बाकी आज जो है हमारी डेस्टिनेशन ले से नुब्रा, दैट इज़ 158 किलोमीटर, जिसको कवर करने के लिए गूगल मैप कह रहा है 4.5 घंटे लगेंगे, बट आई डोंट थिंक इतना टाइम लगेगा। एंड अगर लगेगा भी तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसे कोई मॉर्निंग का रूटीन कोई ख़राब नहीं है, मतलब ठीक टाइम निकल गए हम। अभी 10:46 हो रहे हैं एंड दिस इज़ द ब्यूटिफुल ले सिटी। आरसी दिखानी है सर? योर आईडी एंड योर आरसी। आरसी ये रही? या DL14SC संदीप कपूर। एंड हाँ जी, यस सर, श्योर। या कैन यू शो मी योर आईडी? यस सर, श्योर। दिस इज मी लक्ष्य कपूर। तो जब आप खारदुंगला जा रहे होते हो तो ले सिटी से कुछ हार्डली 10-15 मिनट बाद ही एक चेक पोस्ट आता है, जहाँ पे आपको अपनी गाड़ी की आरसी और अपनी आइडेंटिटी दिखानी होती है। क्योंकि ऐसा कुछ रूल है कि अगर आप मनाली से बाइक रेंट लेके आ रहे हो या कहीं और से लेके आ रहे हो तो दे डोंट अलाउ यू ऑन दैट। एंड ले की बाइक पे अगर आप जा रहे हो तो आपको अलाउ करेंगे इन ऑर्डर टू प्रमोट द लोकल बिजनेस ऑफ द ले। ये इन्फॉर्मेशन आई थी मेरे पास, मैं आगे आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। अब सच है झूठ है ये आप खुद देख लेना, आई डोंट नो, अपनी जितनी नॉलेज है मैं उतनी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। बाकी जो रास्ता है मतलब सिंगल लेन रोड है, अगर आमने सामने कार आए तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है इस रास्ते में। ये देखो यार बदतमीज लोग खा रहे हैं और वहीं सड़क पर फेंक रहे हैं। क्या जगह है यार, क्या जगह, बहुत ज़्यादा सुंदर। इस साइड भी पहाड़ी है, उस साइड भी पहाड़ी है, बीच का भी है रास्ता, क्या बात। अगर मैं वेदर की बात करूँ कि कैसा मौसम है यहाँ पे इस टाइम इन द मंथ ऑफ अगस्त, तो यार मतलब बहुत ही अच्छा है। ठंडी हवा भी है, धूप भी है,
लोकल्स ने कहा दिस इज द बेस्ट वेदर टू विजिट, ऑक्सीजन की भी ज्यादा कमी नहीं होती इस मौसम में। और ये हम आ चुके हैं साउथ कुल्लू चेक पोस्ट, और यहाँ पे अपनी एंट्री करवानी होती है। अच्छा एक इम्पॉर्टेंट बात बताना मैं आपको भूल गया कि अगर आप लेह सिटी आ रहे हो या लद्दाख घूमना चाह रहे हो तो आपको अगर इंटरनली घूमना है खारदुंगला नुब्रा वैली पेंगोंग तो इन सब के लिए आपको एक इनर परमिट की रिक्वायरमेंट होगी जो कि आप लेह की वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। 500 रुपये का परमिट होता है। और जैसे साउथ कुल्लू यहाँ पे रुके ऐसे ही चार जगह हमें अपना दिखाना होता है परमिट, और आपको चार फोटोकॉपी रखनी पड़ेगी अपने पास। तो क्विक अपडेट यही है कि खारदुंगला इज 14 किलोमीटर अवे एंड जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है ऑक्सीजन बहुत कम हो जा रहा है, बाइक में भी थोड़ा पावर लैग का दिक्कत आ रही है एंड सिर दर्द कर रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो प्रॉब्लम तो देखो हो रही है काफ़ी ज़्यादा। रास्ता तो अच्छा है, मैं तो ये सोच रहा हूँ जब रास्ता टफ हुआ करता था तब तो यहाँ पे क्या ही बुरा हाल हुआ करता होगा। अभी तो चलो प्लेन स्मूथ रोड बना दिए हैं तो इसलिए हम आराम से जा पा रहे हैं, ज़्यादा मूवमेंट करनी नहीं, ज़्यादा हिलना डुलना है नहीं, आराम से बैठे रहो कम एक्टिविटी करो और चलाते जाओ। उंगलियों से भी दो जगह खून आ गया मेरे, बैंडेज लगाई है एंड चल रहे हैं अभी। कोई नहीं अब खारदुंगला आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जिस खराब पैच की बात मैं कर रहा था वो आ चुका है, रोड ख़त्म हो चुकी है ना वैसा रूट है, और ऊपर सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आपको दिख रहा होगा कि मैं कैसे हाफ रहा हूँ, सर काफी दर्द कर रहा है ऐसे खराब पैच में, जान भी बहुत ज्यादा लगती है। फाइनली तो पीछे कुछ मैंने लोग देखे तो जो यहाँ पे साइकिल से आ रहे थे, मतलब हैट्स ऑफ टू देम यार, हमारे तो बाइक में ही हालत खराब हो गई, साइकिल से आ रहे हैं। बाइक बिल्कुल भी नहीं चल पा रही, सब बेकार, सब पावर सब खत्म हो चुका है, बस यही है इतनी इतनी स्पीड पर चलते रहे धीरे धीरे तो ठीक है। वो देखो सामने स्नो कवर्ड माउंटेन, मतलब मैं तेज जो बोलना चाह रहा हूँ ना सभी मैं बोल रहा हूँ तो वो तेज भी नहीं बोल पा रहा मैं, मेरी सांस फूल रही है बहुत ज्यादा, ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा कम है यहाँ पे, सांस मतलब ना कोई एक्टिविटी कर सकते हो यहाँ पे, बसाओ जितनी कम से कम एक्टिविटी कर सकते हो उतना करो, डिफिकल्ट। वाइजर बंद ही कर दो, ठंड लग रही थी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स वी हैव रीच्ड खारदुंगला, माय गॉड काफी भीड़ है आपको तो। सो वी हैव फाइनली रीच खारदुंगला टॉप जो है कि 17,982 फीट एंड आप देख सकते हो काफी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। कैसा लग रहा है रूवल यहाँ पे आके? मजा आ गया लेकिन ऑक्सीजन की बहुत कमी है भाइयों, बहुत ज्यादा कमी है इस टाइम। क्या हो रहा है काफी ज्यादा सिर दर्द हो रहा है और ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी है तो काफी हाई अल्टीट्यूड पे हो गया। अब जल्दी जल्दी हम यहाँ से निकलेंगे एंड जाएंगे नुब्रा वैली की तरफ। बताए कैसा लग रहा है यहाँ ऊपर आके, दिल्ली से सीधा फ्लाइट लेकर रजिक आए और सीधा यहाँ खारदुंगला। हेड पेन हो रहा है, सर दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। खारदुंगला पीक और थोड़ा एक बार ऊपर जाके देख रहे हैं ऊपर से क्या व्यू आता है, काफ़ी गंदी स्टीप चढ़ाई है। ओके सो चलना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है बिकॉज चढ़ाई बहुत ही ज़्यादा है, हाइट बहुत ज़्यादा, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। ये देखो यार
व्हाट अ ब्यूटी। सो हम खारदुंगला से निकल चुके हैं। हाँ, काफ़ी सिर दर्द हो रहा था, सोचा था फोटो भी खिंचवाएंगे, वीडियोस बनाएंगे, पुशअप करेंगे, सब छोड़ो, फटाफट 2-4 फोटो भी खिंचवा के निकल गए। वो था साउथ कुल्लू, अब साउथ कुल्लू छोड़ के, खारदुंगला छोड़ के अब हम जा रहे हैं नॉर्थ कुल्लू टुवर्ड्स नुब्रा वैली। ये देखो स्नो, ऑल्दो इस टाइम में, इस सीजन में, अगस्त में स्नो मिलना काफ़ी डिफिकल्ट है। यही है छोटी मोटी, लग रहा है खारदुंगला पार करके जो रास्ता आता है ऐसा ही आएगा। ओके, बाकी थोड़ा नीचे जाते हैं तो मिलते हैं। ओहो भाई, ऐसा रास्ता रहेगा क्या? लोग बर्फ पे नाम लिख के जा रहे हैं, क्या बात। So you all must be wondering, रॉयल एनफील्ड हिमालयन कहाँ से चला रहा और क्या हुआ। सो हुआ ये कि रतिक जो था, ही मेट विद एन एक्सीडेंट, उसकी बाइक में एयर प्रेशर कम है जिसकी वजह से उसकी बाइक एक स्टीप टर्न पे स्लिप कर गई। ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ, रतिक का भी बचाव हो गया, ये टूट गया है, ब्रेक का ये लीवर टूट चुका था, जो कि अभी रॉयल एनफील्ड कंपनी का एक पूरा ग्रुप जा रहा है फॉर सम राइड। तो ऑथराइज रॉयल एनफील्ड के राइडर्स थे, उन्होंने हेल्प करी हमारी। तो बाकी अब आगे जो रूबल है हमारा दोस्त, सुबह हमसे बहुत ज़्यादा बड़ी गलती हो गई थी कि हमने पेट्रोल फुल नहीं करवाया था, अब उसकी बाइक में भी पेट्रोल ख़त्म हो चुका है। एंड नाउ ही इज़ ऑल्सो स्टैंडिंग, ये बाइक थोड़ी टूटी फूटी हुई है, उसकी बाइक में पेट्रोल नहीं है। इन शॉर्ट एक मेरी ही बाइक है जो इस टाइम पे एकदम ओके है, एंड दैट वॉज द ट्रक रॉयल एनफील्ड का जिसने हमारी हेल्प करी। सो वेरी वेरी मच थैंकफुल टू दैम, मतलब अगर आज वो ना होते तो पता नहीं क्या ही होता हमारे साथ। सो आई एम अगेन बैक ऑन माई बाइक। आपको एक अपडेट यही है कि पेट्रोल पंप हमें मिल गया था रास्ते में, थोड़ा बहुत पेट्रोल मैंने रूबल की बाइक में अपनी बाइक से डाल दिया था, एंड रतिक की बाइक भी अब ठीक चल रही है। फिर भी हम कोई ज़्यादा जल्दी ना करते हुए 40 की स्पीड पे आराम से जा रहे हैं, बिस्किट डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं नुब्रा वैली में, जो कि है अराउंड 8 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर। एंड मेरा मन तो था नहीं वीडियो शूट करने का अब कोई, क्योंकि काफ़ी थके भी हुए थे, सिर दर्द भी था, बट फिर जब व्यू देखा सामने का तो क्या बढ़िया लग रहा है भाई। ये थोड़ा डेजर्ट टाइप सा लगा मुझे। सो यार, मतलब वैसे एक चीज़ मैंने ऑल नोटिस करी है कि जब से मैं लेह लद्दाख आया हूँ, मतलब बादल बहुत ज़बरदस्त है भाई यहाँ पे, हमारे दिल्ली में नहीं होते इतने बादल। अभी भी देख लो, अब जैसे बादल कितने ही सुंदर लग रहे हैं। तो बस हम पहुँचने ही वाले हैं, आगे जो टेम्पो ट्रेवलर है हमारे दोस्तों की है, एंड मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता बचा हुआ है। Oh, we have come to this beautiful Buddha monastery in Diskit district. And ये देखिए कितना ही सुंदर लग रहा है, एंड यहाँ से जो व्यू है वो भी आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो फाइनली वी हैव रीच्ड नुब्रा वैली। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल और काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस आज की राइड हो गई थी, कहाँ खारदुंगला गए, कहाँ बाइक का छोटा एक्सीडेंट हुआ, कहाँ रास्ते में पेट्रोल ख़त्म हो गया। नुब्रा वैली आए हैं, यहाँ पर हमारी बाइक खड़ी है, हमारी टेम्पो है, एंड आज हमारा जो स्टे है वो है कैंप्स में। तो काफ़ी ब्यूटीफुल कैंप्स हैं, अंदर से भी अच्छे स्पेशियस हैं, रात को बॉनफायर होगी और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी शाम के 6 बज रहे हैं और हमें भूख ज़्यादा लग रही है, तो हल्की फुल्की मैगी खाएंगे एंड देन रात को डिनर करेंगे।